नमस्कार दोस्तों, सेरेसी टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप गंगवार। दोस्तों आज हम देखते हैं प्रॉब्लम बूट डिवाइस नॉट फाउंड। होता क्या है, हमारी हार्ड डिस्क को बूट ही नहीं कर पाता हमारा सिस्टम और ये एरर आ जाती है हमारी स्क्रीन पे, और इस पर सिर्फ एक चीज़ दिख रखी होती है F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, और उस F2 को दबाने से तो देखते हैं क्या होता है। बूट करते हैं हमारा सिस्टम। देखिए जैसे हम बूट करते हैं तो यहाँ पे एस्केप कर सकते हो आप। ये देखिए मैंने कई बार मैं एस्केप दबा दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, बूट होने से पहले ही कोई एरर नहीं आ रही है, सिस्टम बूट हो रहा है। मैंने कई बार एस्केप दबा दिया तो हमारे सामने बूट ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए पहले वो एरर आई, पहले एरर आएगी क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही। यहाँ पे बूट ऑप्शंस आ जा रहे हैं, F2 दबाएंगे तो ये होगा, F10 दबाने से हमारा बायोस सेटअप आ जाएगा। ठीक है, ये केवल बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप बायोस सेटअप के लिए F10 दबा सकते हैं। ये देखिए इसमें ऑप्शंस हैं और ये एरर हमारी है ही। दोबारा मैंने स्टार्ट कर दिया तो हमारी वही एरर वहाँ पे आ गई। अगर हम F2 दबाते हैं जैसे कि ये बोल रहा है सिस्टम डायग्नोस्टिक्स के लिए, तो वो करके एक बार देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। उससे कुछ होगा नहीं, ये स्कैन वगैरह करने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, जो भी आपके सामने मेमोरी टेस्ट कर लो, हार्ड ड्राइव का टेस्ट कर लो, आप इनको आराम से क्लिक कर दो तो वो टेस्ट वगैरह होते रहेंगे। ये देखिए मैंने टेस्ट बहुत सारे करके देख लिए, सारे कोई ऑप्शन नहीं बचा, एग्ज़िट ही करना है। एग्ज़िट करा, सारे टेस्ट करके मैंने एग्ज़िट किया, वापस हम वहीं पे लैंड कर गए। क्या करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन एस्केप दबा दे तो F10 का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ से वो विंडो ना हो तो भी हम F10 दबा सकते हैं, जबकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। क्या करो, तो मैं F10 दबा देता हूँ इसके लिए। अब F10 दबाते ही हमारे पास बायोस सेटअप आ जाता है। बायोस सेटअप में देखिए बूट ऑप्शंस, बूट ऑप्शंस में आपको देखिए ये लेगेसी है ना, जो लेगेसी सपोर्ट वो डिसेबल्ड है, मैं उसको इनेबल्ड कर दिया। तो जैसे ही इनेबल करा तो नीचे वाला हमारा लेगेसी सपोर्ट है जो इनेबल हो गए। अब यहाँ पे हम ले आ सकते हैं अपना कर्सर, वैसे नहीं ला सकते थे हम नीचे, और F10 करके निकल लेते हैं हम सेव करके। तो हमारे जो सेटिंग हमने लेगेसी सपोर्ट को इनेबल करके सेव करके बाहर आ गए। अब उसके बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे एक की आती है, यहाँ पे क्लियर लिख रखा है एंटर दबाना है आपको की दबा के। तो ये जो नंबर आ रहा है आपका, अपने लैपटॉप पे अलग नंबर आ सकता है अपनी मशीन पे, तो वो नंबर प्रेस करें और एंटर दबा दें बस। बूट हो रहा है, मैं आपको इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, मैंने कई बार ये प्रॉब्लम देखी है स्टूडेंट्स के बहुत सारे सिस्टम्स पे देखी है। तो अगर ये क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है और लेगेसी सपोर्ट काम नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, कई बार ट्राई करो रीस्टार्ट करने की और किसी तरीके से वो बूट हो जाता है। विंडो बूट होने के बाद आप रीसेट कर सकते हैं उस विंडो को, और रीसेट करने के लिए मैं एक वीडियो अपना लिंक डाल दूंगा कैसे विंडो को हम रीसेट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले लें और इस वीडियो के एंड में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप रीसेट कर सके PC। कभी कभी बूट हो जाता है, ठीक है ना, दो चार बार ट्राई करने से, पर फिर वापस वही एरर आएगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं वो बूट हो गया तो अब सही हो गया PC, सही नहीं हुआ, वापस वही एरर आएगी। तो आप क्या करोगे, रीसेट कर सकते हो PC को, ठीक है। और अगर बूट नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से तो आपके सामने एक ही बात रहती है कि आप एक अपनी USB को बूटेबल बनाओ और नई विंडो डालो। कैसे USB को बूटेबल बनाते हैं और नई विंडो कैसे डालते हैं उसके लिए मैं आगे बिल्कुल वीडियो डालूंगा। तो देखते हैं हमारा विंडो भी बूट हो गया होगा। ये देखिए लेगेसी सपोर्ट काम कर गया मेरा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।